हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू राइट कुंडली। आप लोगों में से कई लोगों ने मुझसे ये सवाल किया है कि जब हम सीरम लिपिड प्रोफाइल या फिर अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराते हैं तो उसमें नॉन एचडीएल करके लिखा रहता है, नॉन एचडीएल की नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी होनी चाहिए और इसे हम किस तरीके से निकालते हैं। देखिए, जब आप अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या पता चलता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल पता चलता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये बेसिकली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और 20% ट्राइग्लिसराइड, इन तीनों की वैल्यूज़ को जोड़कर हमको टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू पता चलती है। और जो नॉन एचडीएल का लेवल पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल में से माइनस करना पड़ता है एचडीएल की वैल्यू को। तो जो वैल्यूज़ आपको मिलेंगी वो कहलाएगा आपका नॉन एचडीएल वैल्यू, यानी ये जो वैल्यू है इसमें आपका जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल का वैल्यू है वो जुड़ा हुआ नहीं है। इनमें जो वैल्यूज़ आपको पता चल रही है ये सारे की सारे जो कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू है ये बुरे कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू है। जैसे कि हम जानते हैं कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एक ख़राब कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड की जो लेवल होती है वो भी अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो नॉन एचडीएल के माध्यम से आपको ये पता चल जाता है कि जो खराब कोलेस्ट्रॉल है आपके शरीर में उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है। अभी हम ये देख लेते हैं कि नॉन एचडीएल की जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं बेसिकली वो कितनी होनी चाहिए। अगर नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या फिर इससे कम है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके शरीर के लिए, तो इससे दिल की बीमारी होने का खतरा काफ़ी हद तक कम होता है। अगर नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू 130 टू 159 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में है तो ये नॉर्मल रेंज में आता है। अगर नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की लेवल 159 टू 189 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में है तो ये बॉर्डरलाइन हाई रेंज में आता है। अगर नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की लेवल 189 टू 220 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में है तो ये हाई रेंज में आता है। और अगर नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की लेवल 220 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इतना या इससे ज़्यादा है तो ये वेरी हाई रेंज में आता है। यहाँ पर दिल की बीमारी होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, शुगर सॉल्ट को कम से कम मात्रा में अपनी डाइट में ऐड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर रिच फूड आइटम्स को अपनी डाइट में ऐड करिए, फल और सब्जियों का सेवन आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाइट में करिए। मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें बताया है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है और आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखना है तो आपको कौन कौन से खाद्य पदार्थों को अपने डाइट में ऐड करना चाहिए। उन वीडियोज़ की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपको रोज़ाना अपने डाइट में फाइबर रिच फूड आइटम्स को ज़्यादा अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। मिनिमम 30 से लेकर 38 ग्राम तक का फाइबर अगर आप रोज़ अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद करेगा और ख़ासकर एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स को कम करने में मदद करेगा। अब आप ये पता कैसे कर पाएंगे कि आप जो खा रहे हैं उसमें आपको कितनी मात्रा में फाइबर मिल रहा है, तो इसके लिए आप डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। डाइट कुंडली ऐप को आप प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए, इसके माई रेसिपी माई न्यूट्रिशन सेक्शन में जाइए, आपके घर में जो भी आपने हेल्दी रेसिपी बनाया है उस रेसिपी में आपने जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, जितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल किया है उसे आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है और नीचे कैलकुलेट का बटन दबाना है। जैसे ही आप दबाएंगे आपको ये पता चल जाएगा कि उस रेसिपी में आपको कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, कितने कैलोरीज, कितना प्रोटीन, कितना फैट्स, कितना फाइबर और कितने विटामिन्स एंड मिनरल्स में रहे इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इस तरीके से आप अपना फाइबर का कंटेंट बढ़ाकर, कैलोरीज को आप लिमिट करके, प्रोटीन्स अच्छा रखकर आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को ईजिली कंट्रोल में रख सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।